रहमान रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए, दुरुदो सलाम यासीनो आले यासीन के लिए। मोहतरम नाजरीन और वाजिबुल एहतराम तमाम मुहिब्बाने अहले बैत अतहार की खिदमत आलिया में नातिक अली पूरी अपनी निजामत के हाथों से सलाम व आदाब पेश करने के साथ साथ इस वक्त यम वो हैच मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी चैनल के स्क्रीन पर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हम सबसे पहले शुक्र खुदा व अहले बैत के बाद बेहद ममनून व मुतशक्किर हैं तमाम मुंतजमीन और कन्वीनर मोहतरम अबू मोहम्मद अख्तर नकवी अमेरिका, और फिर खिदमत गुजार कौम व मिल्लत मोहतरम जनाब रजा जवाद साहब और इनके बरदर बुजुर्ग मोहतरम मौलाना सैयद जामिन अली साहब रजन अमरवी का, जो इस वक्त हमें अहले बैत की बारगाह में नजरान अकीदत पेश करने की अजीम सआदत अता फरमाई। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक जहां जहां भी अहले बैत अधार के चाहने वाले हैं उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और दुनिया की हर बला वबा से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, जश्न ईद गदीर है, आलमी जश्न तकमील दीन ऐलान विलायत है। नेक साते हैं, नेक घड़ियां हैं, खुशनुमा माहौल है। आइए हम सबसे पहले इन अयाम की इस जश्न की मुबारकबाद और तहनीयत पेश करेंगे। तमाम मोमिनीन और मोमिनात, तमाम जाकिरीन, शोरा इकराम, उलमा इकराम, मराजाए इज़ाम और खसूसी तौर पर पर्दाए गैब में रहने वाले आपके और हमारे आखिरी आका मौला इमाम हुज्जत की खिदमत में एक बावाज़ बुलंद सलावात पढ़कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया में मौलाए कायनात का जिक्र मुकर्रम हो रहा है। अल्लाह पाक का एहसान, उसका करम कि उसने भी हम सबको बारगाह अहले बैत में मौलाए कायनात की सरकार में नजराने अकीदत पेश करने की अजीम सआदत अता फरमाई। इसके बदले में हम जितने भी शुक्र के सजदे बजा लाए हैं वो कम हैं। आइए इस जश्न का आगाज करते हैं। आलमी जश्न तकमील दीन ऐलान विलायत अमीर अल मोमिनीन है। अमीर कायनात की महफिल है। मरहूम साहिल सरसवी ने अपनी एक बंद में एक मिसरा कहा था, दुनिया फकीर है, मेरा मौला अमीर है। अमीर कायनात का तस्करा होने वाला है। जश्न ताजपोशी है, मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब है। आइए हम इस जश्न का आगाज करते हैं अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की आयात के से। सबसे पहले हम दरख्वास्त करते हैं मोहतरम जनाबे जासिर अब्बास जाफरी साहब से, बड़े अदब के साथ मैं मुल्तमिस हूँ अल्लाह पाक की बारगाह में कुरान पाक की तिलावत का शरफ हासिल फरमाएं। मोहतरम नाजरेन, जनाबे जासिर अब्बास जाफरी साहब का इस्तकबाल एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़कर करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तैनकल कौसर फसल रब्बिका वन्हर, इन शानियका हुवल अबतर, सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुक्रिया बहुत बहुत मोहतरम जासिर अब्बास जाफरी कराची, आपने कुरान पाक की तिलावत फरमाई और हमारे दिलों को तिलावत से मुजल्ला मुसफ़ा फरमाया,
आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हम शुक्र का नजराना पेश करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। मोहतरम नाजरीन, आइए कुरान पाक की तिलावत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए हम गुजारिश करेंगे एक और मारूफ शख्सियत से। शायर ने कहा, पूछा किसी ने हमसे तुम्हें क्या पसंद है, पूछा किसी ने हमसे तुम्हें क्या पसंद है, हमने कहा कि गुंबदे खिजरा पसंद है। ऐ जिंदगी सुकून ना देना हमें कभी, इश्क़े नबी में हमको तड़पना पसंद है, इश्क़े नबी में हमको तड़पना पसंद है, चाहे फकीर बन के रहें उस दयार में, हर हाल में मदीने में रहना पसंद है, हर हाल में मदीने में रहना पसंद है। नातिख अजाने आज भी होती तो हैं मगर अल्लाह को बिलाल का लहजा पसंद है, अल्लाह को बिलाल का लहजा पसंद है। इस वक्त नाते पाक के लिए हम गुजारिश करते हैं मोहतरम जनाब हुमायूं हैदर अमरोही से नाते पाक का नजराना पेश करें। एक हम है के दिल का दुखाने में लगे हैं, एक हम है के दिल उनका दुखाने में लगे एक वो है जो सीने से लगाने में लगे हैं, एक वो है जो सीने से लगाने में लगे हैं। इसियां तो जहन्नुम से डराते हैं शबो रोज, इसियां तो जहन्नुम से डराते हैं शबो रोज, आका मेरी तकदीर बनाने में लगे हैं, आका मेरी तकदीर बनाने में लगे हैं। एक हम है के दिल उनका दुखाने लगे हैं, लगता है वो कुरान को पढ़ते नहीं शाया, लगता है वो कुरान को पढ़ते नहीं शाया, जो रुतबे अहमद के घटाने में लगे हैं, जो रुतबे अहमद के घटाने में लगे हैं। एक हम है के दिल उनका दुखाने में लगे हैं, एक वो है जो सीने से लगाने में लगे हैं। अहमद के नवासों का जरा मर्तबा देखो, अहमद के नवासों का
مرتبہ دیکھو جبریل امین جھولا جھولانے میں لگے ہیں جبریل امین جھولا جھولانے میں لگے ایک ہم ہے کے دل ان کا دکانے میں لگے ہیں ایک وہ ہے جو سینے سے لگانے میں لگے ہیں جاہل کہے ان پڑھ کہے ان لوگوں کو ہے دے جاہل کہے ان پڑھ کہے ان لوگوں کو ہے دے جو آقا کو اپنا سا بتانے میں لگے ہیں جو آقا کو اپنا سا بتانے میں لگے ہیں ایک ہم کے دل ان کا دکھانے میں لگے ہیں ایک وہ ہے جو سینے سے لگانے میں لگے بہت شکریہ سلامت رہیں محترم ہمایوں حیدر صاحب امروہوی آپ نے بڑی خوبصورت نعت پاک بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اسی راہ پر گامزن رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جزاک اللہ محترم ناظرین اس وقت نعت پاک کا نظرانہ پیش کر رہے تھے محترم جناب ہمایوں حیدر امروہوی صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس محفل کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں یہ ہماری فیروز بختی ہے خوش نصیبی ہے محترم نامور مفکر ادیب محقق شاعر حسینیت محترم سید عابد ناظر تقوی صاحب نظر امروہی مقیم لکھنؤ یقیناً آپ کی ذات کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں ہے میں صمیم قلب کے ساتھ اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور طول عمر عطا فرمائے اور آپ کی اجازت سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں محترم ناظرین آئیے ایک اور محترم اور نایاب شخصیت کی خدمت میں گزارش کرنے کا شرف حاصل کریں گے قم معروف جگہ جہاں کی زیارت کے لیے انسان تڑپتا ہے اسی شہر قم مقدس میں ایران کی سرزمین پر رہنے والے عالم دین جو کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں ہیں مسلسل دین کی قوم کی اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید منظور علی نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل فرمائیں محترم ناظرین کرام مولانا موصوف کا بھی استقبال ایک مرتبہ محمد آل محمد پر صلوات پڑھ کر کریں اور جہاں بھی آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں اس جشن کو دیکھ رہے ہیں وہیں سے صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب ناظرین محترم سامعین محترم سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس عید کے توسط سے ہماری تمام حاجات نیک کو قبول فرمائے
آج ہم جس مناسبت سے آپ کے درمیان آئے ہیں، عید غدیر، وہ عید کے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کے درمیان سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید غدیر ہے۔ عید غدیر کے لیے یہ بھی ذیل اس کے گفتگو کرتا چلوں کہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں عید غدیر منائی جا رہی ہے، ماہ ذی الحج، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں از اول سے لے کر برکتیں ہیں۔ مثلا اسی مہینے کی شروعات میں عقد امام علی و جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آئے تطہیر کا نازل ہونا، آئے ولایت کا نازل ہونا، واقع فدق کا واقع ہونا، یہ تمام جو واقعات ہیں یہ اسی مہینے کی برکت سے ہمارے درمیان ہیں۔ اور خود عید الاضحیٰ، پھر اس کے بعد یہ عید غدیر، یہ تمام برکتیں جو ہمارے درمیان ہیں، اور خصوصاً جب ہی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عید کو 3 دن لوگوں مومنین کو چاہیے کہ 3 دن اس کو منائیں، یعنی اس عید غدیر کو فقط 1 دن مخصوص نہ کر دیا جائے بلکہ اس عید کو 3 دن تک مستقل طور پر منایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دن کے جو عید غدیر کا دن ہے، اس دن دین کامل ہو گیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بے انتہا مبارک وقت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو اور خصوصاً اس دن کو اپنے ہاتھ سے ایسے ہی نہ جانے دیں بلکہ کوشش کریں، ایسے اعمال انجام دیں، ایسی نیک کاموں کی طرف اپنے رجحان کو بڑھائیں کہ جس سے ہمارا وہ عمل جو ہماری نگاہ میں ایک چھوٹا عمل ہو لیکن وہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ خصوصاً جو میں آج کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے جو کہا کہ یہ دین کہ جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کیا ہے، اس دن جو ہے یہ دین جو دین اسلام ہے وہ کامل ہو رہا ہے۔ اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، دین کامل ہو رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا رخ کریں تو قرآن مجید میں 3 مقامات پر ذکر ہوا ہے دین کے کامل ہونے کا اور نعمتوں کے کامل ہونے کا، لیکن وہ ذکر اور اس جو یہ فقط ایک مقام پہ جہاں غدیر کے لیے بات ذکر ہوئی فرق ہے، اور وہ بھی فرق اس وجہ سے ہے کہ وہ جو 3 مقامات پہ ارشاد ہوا ہے نعمتوں کے کامل ہونے کے بارے میں، اس کا ذکر ہوا ہے فیوچر کو لے کر، مستقبل کو لے کر کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل کی جائیں گی یا تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی۔ جیسے وہ کون کون سے مقام ہیں، جس میں سے سب سے پہلا مقام جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا منتقل ہو جانا، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جو واقعہ ہے قبلے کا بدلنا، وہ مقام تھا کہ جس مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی۔ دوسرا مقام کہ جس مقام پہ ارشاد ہوا وہ مقام ہے وضو کے لیے، جب قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، آیت نازل ہوئی ہے وضو کے ذیل میں، تو آئے وضو کے بعد یہ ذکر کیا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی۔ اور تیسرا مقام کہ جس مقام پہ ارشاد فرمایا وہ مقام ہے فتح مکہ کا، کہ جب مکہ فتح کیا ہے اور مکے کی سرزمین پہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی، لیکن کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو گئیں۔ تو وہ فقط اور فقط کون سا مقام ہے، وہ مقام ہے غدیر کا، وہ مقام ہے روزے ولایت کا، وہ مقام ہے یوم امامت کا، کہ جس دن پروردگار نے ارشاد فرمایا اتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے نعمتیں تمام ہو گئیں، کامل ہو گئیں، یعنی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ولایت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، امامت تمہارے حوالے ہو گئی، یعنی جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تمہارے حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، جب ہی کہا گیا ہے کہ اس دن کو، اگر کوئی لوگ سوال کرتے آیا غدیر کو کیوں اتنا ہم اہمیت دیں، تو میں فقط ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے ذہن میں یہ کہ ہم غدیر کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، تو یہ کہہ دینا مناسب ہے کہ غدیر شیعوں کے لیے ایک شناس نامے کا کام کرتا ہے، یعنی کیا، ایک آئی ڈی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہمارے لیے شناختی کارڈ ہے غدیر،
अगर हम गदीर को ही अहमियत ना दें तो हमारी अहमियत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। तो अज़ान मोहतरम, ये दिन वाकई बाबरकत दिन है। अब जब हम इस जेल में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने वाक़ काफ़ी सुने गदीर का पूरा वाक़ लेकिन लिहाजा वक्त नहीं है गुंजाइश इतनी वक्त के अंदर कि मैं पूरा वाक़ आपके दरमियान पेश करूं। लेकिन ये अहमियत हमारे लिए जानना बेइंतहा ज़रूरी है कि इस दिन जब नेमतें तम, ये दिन विन विलायत है, दिन इमामत है, एक दिन है कि जिस दिन हर अमल को अंजाम देना हज़ार हज़ार अमाल से बेहतर है। जब ही कहा गया है कि हर अमल का कोई ना कोई सैयद हुआ करता है, सरदार हुआ करता है हर अमल का, इसी तरीके से कोई जो दिन जो तमाम दिनों का सैयद है, तमाम जैसे अगर तमाम ईद हैं तो तमाम ईद का जो सैयद है वो ईद गदीर है, और तमाम आमाल का जो सैयद है वो हुब्बे अली इब्न अबी तालिब है। सैयद यानी सरदार होना, रहबर होना। तो तमाम अमाल, हम चाहे ज़िंदगी में कितने भी अमाल अंजाम दे रहे हैं, अगर हमारे अंदर हुब्बे अहले बैत ना हो, हमारे अंदर हुब्बे अली इब्न अबी तालिब ना हो, तो वो अमाल हमारे किसी काम के नहीं हैं। वो उसी वक्त काम के आए, काम हमारे आ सकते हैं कि जिस वक्त हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी। तो लिहाजा मैं जो आपके सामने एक आखिरी नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि जब हम ईद गदीर के ज़ेल में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने कहा कि आज का दिन यौम विलायत है, आज का दिन यौम इमामत है, आज का दिन यौम दीन है, आज का दिन यौम मग़फ़िरत है, आज का दिन तमाम दिनों से अफजल है, तो हमारे लिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, हमारे लिए कुछ वज़ाइफ़ भी हैं। वो क्या? वो ये कि जब हमने ये सुना कि मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, कि जे रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि जिस जिस का मैं मौला उस उसके अली मौला, तो जब हमारे सामने हमारा मौला मौजूद है तो हमारे लिए भी कुछ वज़ाइफ़ हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से उनके सामने अपने आप को रूबरू करें, हम किस तरीके से अपने आप को बताएँ कि हमारा मौला अली इब्न अबी तालिब है। फ़कत ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है कि हम अली के चाहने वाले हैं, फ़कत ज़बान से ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हम विलायत अली के कायल हैं, हम ज़बान से ये कह देना काफ़ी नहीं है कि आज यौम विलायत है, तो कुछ अमल से भी अंजाम देना होगा, कुछ अमल भी हमें दिखाने होंगे, जिसमें से इरशाद फरमाया छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इरशाद फरमाते कि वो वज़ाइफ़ क्या हैं जो एक शिया को अपने इमाम के रूबरू अंजाम देने चाहिए। ये बहुत अहम मसला है, एक अहम गुफ्तगू है जो बयान करना मकसूद है। आज रोज़े गदीर के उनवान पे हम ये महफिल सजाए हुए हैं, तो ये महफिल की सजावट उस वक्त भी काबिले रौनक हो जाएगी कि तब हमारे अंदर वो अमाल पाए जाएँ। उनमें से कौन कौन से मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहूँगा, इशारतन अर्ज करते हुए, जिसमें से सबसे पहला अमाल जो है वो कहा कि शिया तो ना मुबारज़तुल विलाया, यानी क्या कि शिया हमारे क्या करते हैं, शिया जो हमारे हैं वो विलायत के ऊपर खर्च करते हैं। वो खर्च करना क्या है, वो ज़रूरी नहीं है फ़कत पैसे का खर्च करना हो, हर चीज़ का खर्च कर देना। इमाम फरमाते हैं हमारा शिया कौन, कि जो हमारी विलायत पर खर्च करता हो, वो चाहे माल खर्च करता हो, चाहे वो जान को खर्च करता हो, चाहे वो ख्वाहिशों को खर्च करता हो, चाहे वो नियत को खर्च करता हो, चाहे हर अमाल को, जो चीज़ उसे पसंद थी उसने कहा नहीं मेरे मौला राज़ी नहीं तो मैं उसको नहीं ला रहा इस्तेमाल में, ये भी खर्च करना हुआ, अपनी ख्वाहिशों को खर्च कर देना, खुदा की राह में जिहाद करना, दिफा करना विलायत का, ये भी एक खर्च है। तो हर तरीके का खर्च, कहा इस राह में जो खर्च करोगे विलायत की राह में तो उसका बदला तुम्हें हज़ार गुना मिलेगा। ऐसा ना हो कि तुम ये सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है मैं क्या खर्च करूं, जो भी तुम्हारे पास है तुम विलायत के ऊपर खर्च करो, परवरदिगार तुम्हारी उसमें बरकतें कर देगा और हज़ार गुना उसका सवाब अता करेगा। दूसरा क्या वजीफ़ा है, कहा शियों के दरमियान इख्तलाफ़ को पैदा ना करना। हमारे शिया आपस में इख्तलाफ नहीं करते, मौला का कौल है। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं शियों के दरमियान चाहे किसी भी मसले को लेकर, तो इमाम फरमाते कि हमारा शिया वो नहीं है कि जिसके दरमियान इख्तलाफ हो, तो लिहाजा हमारे अंदर इख्तलाफ भी नहीं होना चाहिए। का तीसरा वजीफ़ा, कहा तीसरा वजीफ़ा ये कि हमारा शिया अपने बरदर शिया के दीदार के लिए जाता हो, यानी क्या, यानी ये कि अपने आप को महदूद मत कर दो किसी के दीदार से, बल्कि जाओ लोगों से मुलाकात करो। शिया हमारा दूसरे शिया के दीदार के लिए जाता है,
का तीसरा कहा, तीसरा ये कि हमारा शिया अपने हमसाए के लिए बरकत का सबब बनता है। यानी क्या, यानी ये कि अपने जो नेबर है, अपना पड़ोसी है, उसके लिए बाइसे अज़ियत ना बनो, तुम उसके लिए बाइसे बरकत हो। उसके बाद कहा हमारा शिया वो है कि जो अपने आप को तमाम उन चीज़ों से दूर कर देता है कि जो उसको गुनाहों की तरफ लेकर जाती हैं। कहा आखिरी और आखिरी मरहला वो है कि हमारा शिया वो है कि जो अमाल को अंजाम देने में ताखीर नहीं करता। वो कौन से अमाल हैं? कहा नमाज को अदा करने में। हमारा शिया वो है कि जो गुनाहों की तरफ नहीं जाता। तो लिहाजा ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम इस चीज़ के लिए वादा हो गए हैं कि आज हम विलायत अली के ऐलान कर रहे हैं, आज हम योम विलायत मना रहे हैं, तो लिहाजा हमारे लिए वाजिब हो जाता है कि हम उन वज़ाइफ़ पर भी अमल करें कि जिससे हम अपने सीने पर राहत रख कर कह सकें हम विलायत अली इब्ने अबी तालिब के कायल हैं, हम आशिकाने अली इब्ने अबी तालिब हैं। तो लिहाजा बस मैं अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ, ये है हमारे लिए। लिहाजा हमें भी चाहिए कि आज जो रोज़ ईद गदीर के उनवान से हम इस महफ़िल को सजाए हुए हैं, परवरदिगार के बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस राह पर ख़र्च कर सकें। जब एक रिवायत में मौजूद है कि अगर मुस्तहब है कि रोज़ ईद गदीर ताम का अहतमाम करो, यानी क्या, यानी ये कि तुम वो जो खिलाओगे तो वो जो सुफरा तुम रोज़े ईद गदीर के उनवान पर बिछाओगे तो उस सुफरे पर अम्बिया आया करते हैं, उस सुफरे पर आयमे मासूमीन आया करते हैं, उस सुफरे पर जनाब फ़ातिमा जहरा सलामुल्लाह आया करती हैं। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज हम सब माशाल्लाह हमारे यहाँ ये फरहंग है, कल्चर है कि हम रोज़े ईद नज़र का अहतमाम करते का वो जो सुफरा बिछाया जाता है, वो अहतमाम जो खाने का किया जाता है, बुलाओ लोगों को, दावत दो ताकि उसमें शरीक हों। वो सुफरे पे जब शरीक होगे तो हम सुफरा उसी सुफरे पर आयम मासूमीन भी होंगे, उस सुफरे पर अम्बिया अलैहिस्सलाम भी होंगे। तो लिहाजा हमें कोशिश है, हमें तौफीक दे परवरदिगार आलम कि हम इन तमाम चीज़ों का अहतमाम कर सकें, और दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम इस रोज़ की बरकत से जितने भी लोग परेशान हाल हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग बेरोज़गार हैं, उन तमाम की मुश्किल परवरदिगार हल फरमा, और ये जो बीमारी जिस बीमारी की वजह से जितने भी लोग मोमिनीन परेशान हाल हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा, और हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे मौलाना साहब, वाकईन आपने बड़ी खूबसूरत तकरीर फरमाई, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह पाक दुनिया की हर बला से आपको महफूज फरमाए, और यूँ ही आप जिक्र अहले बैत करते रहें और जनाब सैयदा की अहले बैत अथार की आप दुआएं लेते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तकरीर फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मंजूर अली नकवी कुम्मे मुकद्दस ईरान से। आइए इनके बाद में मनकबत के लिए गुजारिश करूंगा। चार मिसरों के साथ शायर ने कहा, अता हुए थे रसूलों को मौजूज़े जितने, अता हुए थे रसूलों को मौजूज़े जितने, अली के सामने सब सर झुका के बैठ गए, अली के सामने सब सर झुका के बैठ गए, बुलंद करके अली आपको गदीर के दिन, रसूल अपनी रिसालत बचा के बैठ गए, रसूल अपनी रसालत बचा के बैठ गए। मोहतरम नाजरीन, आलमी जश्न तकमील दीन है, जहां जहां से भी इस वक्त मोमिनीन मोमिनात जुड़े हुए हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे सलामत रखे। आइए मनकबत के लिए मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम इमरान नकवी अमरोही मुकीम कराची से, मनकबत का नजराना बारगाहे मौला में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने इमरान नकवी पाकिस्तान कराची से, और ये तामिल हुकुम जो है अल्लामा क़िबला चबादरी साहब मधु किया मुझे कलाम के हवाले से, और मैं आपके सामने ईद गदीर का मनकबत पेश करना चाहता हूँ। पहले ईद गदीर के हवाले से आप दूर पढ़ते हैं, अल्लाह सल मोहम्मद व मोहम्मद
जिसका नहीं खदीर पे ईमान या अली, जिसका नहीं खदीर पे ईमान या अली, जिसका नहीं खदीर पे ईमान या अली, कैसे मैं उसको मानूं मुसलमान या अली। वो जो हुआ था बरसर मैदान या अली, वो जो हुआ था बरसर मैदान अली, वो जो हुआ था बरसर मैदान अली, बहरों ने भी सुना था वो ऐलान या अली। उठा ये कह के लाशा है सुलमान या अली, उठा ये कह के लाशा है सुलमान अली, उठा ये कह के लाशा है सुलमान अली, निकलेगी कैसे ऐसे मेरी जान या अली, निकलेगी कैसे ऐसे मेरी जान या अली। दुश्मन है तेरा जो भी वो इब्ने कसीर है, दुश्मन है तेरा जो भी वो इब्ने कसीर है, दुश्मन है तेरा जो भी वो इब्ने यजीद है, तेरे लिए नबी का है फरमान या अली, तेरे लिए नबी का है फरमान या अली। कदमों में है पड़े हुए जिसके तमाम तार, कदमों में है पड़े हुए जिसके तमाम तार, कदमों में है पड़े हुए जिसके तमाम तार, है आप उस हुसैन के सुल्तान या अली, है आप उस हुसैन के सुल्तान या अली। खुशबू नजफ की आती है उस सरजमीन से, खुशबू नजफ की आती है उस सरजमीन से, खुशबू नजफ की आती है उस सरजमीन से, जाता हूँ जब मैं शहर खुरेसान या अली, जाता हूँ जब मैं शहर खुरेसान या अली। क्या मस हुई थी आपकी नालैन तख्त से, क्या मस हुई थी, क्या मस हुई है आपकी नालैन तख्त से, क्या मस हुई आपकी नालैन तख्त से, परवाज कर रहा है सुलेमान या अली, परवाज कर रहा है सुलेमान या अली। जिसका नहीं गदीर पे ईमान या अली, कैसे मैं उसको मानूं मुसलमान या अली। सलामत रहें मोहतरम इमरान नकवी अमरवी कराची, आपने भी बड़ा खूबसूरत कलाम बारगाह आले बैत में बारगाह मौला में पेश किया, आपकी खिदमत में भी शुक्र का नजराना पेश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, आइए इस वक्त मैं चार मिसरों से एक और मोहतरम शख्सियत की खिदमत में गुजारिश करने का शरफ हासिल करूंगा। शायर ने कहा, शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, ये बात याद रख ये अकीदत की बात है, कुर्बान जाऊं मिसरों के क्या कहने उन्होंने जो मिसरे कहे थे, ये बात याद रख ये अकीदत की बात है, इस बात का लकब तो कलीदे नजात है, दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेज, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। इन चार मिसरों के साए गुजारिश करता हूं मोहतरम इकबाल इर्तज़ा नकवी अमेरिका से
बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश करें। मोहतरम नाज़रीन, जो भी मद्दाह आले बैत, जो भी ज़ाकिर आले बैत खिताब करने के लिए, अशार पेश करने के लिए आपके रूबरू नजर आए, तो यकीनन दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं कीजिए। और फिर जहां जहां भी इस वक्त अहले बैत के चाहने वाले परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर होने के लिए दुआ फरमाइए। इनका इस्तकबाल भी मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात पढ़कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नुसरी का खुदा काबे में गए पैदा, नहीं होता नुसरी का खुदा काबे में गए पैदा, नहीं होता नुसरी का काबे में गए पैदा, नहीं होता सिवा बैतुल मुकद्दस दूसरा के बिला, नहीं होता सिवा बैतुल मुकद्दस दस दूसरा के बिला, नहीं होता तुम मोहम्मद मुस्तफा और मुर्तजा है नूर के टुकड़े, तुम मोहम्मद मुस्तफा और मुर्तजा है नूर के टुकड़े, ये ऐन नूर है और नूर का साया, नहीं होता ये ऐन नूर है और नूर का साया, नहीं होता और अबू तालिब तुम्हारा लाडला सबका खुदा होता, अबू तालिब तुम्हारा लाडला सबका खुदा होता, अली का पेशदा वरगर कोई सजदा, नहीं होता अली का पेशदा वरगर कोई सजदा, नहीं होता नुसैरी की दलीले मानना पड़ती जमाने को, नुसैरी की दलीले मानना पड़ती जमाने को, शबे हिजरत मेरा मौला अगर सोया, नहीं होता शबे हिजरत मेरा मौला अगर सोया, नहीं होता और अली का इश्क कोरे चश्मे को बिना आई दे
देता है। अली का इश्क कोरे चश्मे को बिनाई देता है। हमारी कौम में हाफिज कोई अल्लाह नहीं होता। हमारी कौम में हाफिज कोई अल्लाह नहीं होता। नुसैरी का खुदा काबे में गए पैदा नहीं होता। नुसैरी का नहीं होता। सिवा बेतुल मुकद्दस दूसरा किबला नहीं होता। अल्लाह पाक के इन तमाम मदहखानों को जो भी मौला की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं, इन सबको सलामत रखे, आबाद रखे, कौम पर, घर वालों के सरों पर इनका साया बाकी रखे। हमारे साथ इस वक्त नजराना अकीदत पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब इकबाल इर्तजा नकवी अमेरिका से। आपकी खिदमत में भी शुक्र का नजराना पेश करते हैं। आइए मोहतरम नाजरीन, इस वक्त एक और मनखबत खां अहले बैत की बारगाह में जो इस वक्त नजराना अकीदत पेश करने के लिए हम जिसको जहमत दे रहे हैं वो भी किसी तरह तारुफ के मोहताज नहीं, नादर नकवी, मोहतरम नादर तकवी लंदन, लंदन की सरजमीन से इस वक्त बारगाह अहले बैत अथार में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं मोहतरम नादर तकवी लंदन। इनका इस्तकबाल भी मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात पढ़कर। अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है। मगर होती है जब हूरों की बातें, मगर होती है जब हूरों की बातें। यही बहरा है जो सुनता बहुत है। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है। शऊरे सजदाए शबीर हो तो, शऊरे सजदाए शबीर हो तो खुदा को एक ही सजदा बहुत है। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है,
अली के नाम का चर्चा बहुत है, फकीर इस राज से है खूब वाकिफ, फकीर इस राज से है खूब वाकिफ, अली के नाम से मिलता बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है। सनाए मुर्तजा मेरा मुकद्दर, सनाए मुर्तजा मेरा मुकद्दर, ये पंजतन का मुझे सदका बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है, हमेशा जागती थी जिसकी आंखें, हमेशा जागती थी जिसकी आंखें, शबे हिजरत वही सोया बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है, तेरी राहों में हूँ नजरें बिछाए, तेरी राहों में हूँ नजरें बिछाए, चले आओ के दिल तरसा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है, फजाइल से तेरे कुरान रोशन, फजाइल से तेरे कुरान रोशन, मुकसर भी मगर अंधा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब नादर तकवी साहब, आपने भी बड़ा खूबसूरत कलाम अहले बैत की बारगाह में, मौला की बारगाह में पेश किया, आपकी खिदमत में भी शुक्र का नजराना पेश करते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें। मोहतरम नाजरीन कराम, मौला का जिक्र हो रहा है, मनखबत खां हजरात बड़े अदब व एहतराम के साथ मौलाए कायनात की बारगाह में मनखबत का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे, सलामत रखे। आइए एक और नाम आपकी खिदमत में, जनाबे जॉन रजा नखवी, जो इस वक्त कनाडा से, मुल्क कनाडा से मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने जा रहे हैं। शायर के चार मिसरों से इन्हें जहमत दूंगा,
बड़ा खूबसूरत कता शायर ने कहा कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे मौला, आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे मौला, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। गुजारिश करता हूँ मोहतरम जॉन रजा नकवी कैनेडा से। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम मासूमीन बिलखुसूस इमाम ज़माना और तमाम हाजरीन व सामईन महफिल की खिदमत में जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ मुंतजमीन का कि उन्होंने जश्न में दाखिल हसनात होने का मौका दिया। मनकबत के चंद अशआर हदिया समाअत करूँगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐलान हुआ, ऐलान हुआ, ऐलान हुआ, ऐलान हुआ, हुआ। हुम तुझ पे जहां जो मेरा सुल्तान हुआ, मौला जो मेरा
पत्थर आज़ाब अली के मुनकिर पर पत्थर मांगा जा पत्थर आज़ाब अली के मुनकिर पर जिसने माना सलमान हुआ जिसने माना सलमान हुआ ऐलान हुआ ऐलान हुआ मोहसिन जो नबी का है अनवर उतरी है विलायत उसके घर मोहसिन जो नबी का है अनवर उतरी है विलायत उसके घर मौला इब्ने इमरान हुआ मौला इब्ने इमरान हुआ ऐलान हुआ ऐलान हुआ ऐलान हुआ ऐलान हुआ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहतरम नाजरीन बेहतरीन लहजा और बेहतरीन कलाम आप समात फरमा रहे थे मोहतरम जनाब जॉन रजा नकवी कैनेडा से इनकी खिदमत में भी शुक्र का नजराना पेश करता हूँ। इस वक्त गुजारिश करता हूँ एक और ज़ाकिर अहले बैत मदह खान की खिदमत में जो किसी तरह तारुफ के ये भी मोहताज नहीं हैं। बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी आवाज़ है। अल्लाह पाक इन तमाम नौनिहालों को नौजवानों को आबादो शाद रखे। हमारी दुआएं इन सब के साथ हैं। जनाब हुसैन अब्बास तकवी कराची इस वक्त आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ नजराने अकीदत पेश करें। यही कहता है दीवाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है यही कहता है दीवाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है ये आवाज जिंदाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है चलो सूए नजफ चलकर शराब इश्क पीते चलो सूए नजफ चलकर शराब इश्क पीते हैं खुला है आज मैं खाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है यही कहता है दीवाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है हमें तो आज भी मौसम की ये आवाज आती है हमें तो आज भी मौसम कि ये आवाज आती है मुसलसल ये कही जाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है यही कहता है दीवाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है हमें तो वादी खुद का वो मंजर याद है अब तक हमें तो वादी खुद का वो मंजर याद है अब तक पैगंबर का वो फरमाना अली की बादशाही है अली की बादशाही है यही कहता है दीवाना बादशाही है अली की बादशाही है वो कंबल हो या मीसम हो बिना
अली की बादशाही है। वो जिसने बेच कर ईमान ने दोज़ख को खरीदा है, वो जिसने बेच कर ईमान ने दोज़ख को खरीदा है, भला क्या उसको समझाना। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, यही कहता है दीवाना। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, अली क्या है वली क्या है नबी जाने खुदा जाने, अली क्या है वली क्या है नबी जाने खुदा जाने, मुहिब जाना तो ये जाना। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। सलामत रहें हुसैन अब्बास तकवी साहब कराची। आपने बड़ी खूबसूरत आवाज में बड़ा प्यारा कलाम अहले बैत की बारगाह में मौला की बारगाह में पेश किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें आबाद रहें। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जनाबे हुसैन अब्बास तकवी नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। आइए इनके बाद में गुजारिश करता हूं एक और मोतबर मदह खान जनाबे जुहैब हसन जैदी कराची से नजराना अकीदत पेश करें। चार मिसरों के साथ शायर ने कहा बेजमीरी अली के दुश्मन को। जनाब अख्तर बेंगलुरी ने कहा बेजमीरी अली के दुश्मन को नर्म बिस्तर पे भी सताती है। बेजमीरी अली के दुश्मन को नर्म बिस्तर पे भी सताती है। इश्क हैदर अगर है सीने में, इश्क हैदर अगर है सीने में, पत्थरों पर भी नींद आती है, पत्थरों पर भी नींद आती है। बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूं मोहतरम रोहेज जुहैब हसन जैदी कराची। तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। बिल्कुल तो जमाने जमाने के हुजूर इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। गदीर के हवाले से कलाम हम लोग समातों की नज़र है। शायर अहले बैत सैयद रज़ा यूसुफ तकवी साहब का कलाम है, समात फरमाएं। Yeah.
के इन तमाम नौकरों को, खिदमत गुजारों को अल्लाह पाक सलामत रखे, आबाद रखे। वाकियन बड़ा ही इस वक्त रश्क हो रहा है इन तमाम जाकिरीन कराम को दावत देते हुए। मोहतरम नाजरीन, आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, जहाँ बैठकर भी इस जश्न को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुंतजमीन के हक में, पढ़ने वालों के हक में और कन्वीनर साहब के हक में, और खुसूसी तौर पर मोहतरम जनाबे रजा जवाद साहब के हक में आप दुआ फरमाएं, और उनके बरदर बुजुर्ग मौलाना सैयद जामिन अली साहब रजन अमरोही साहब की खिदमत में भी दुआ फरमाइएगा। आइए, शुक्रिया का नजराना पेश करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ एक और मदहा खान, ये भी किसी तरह तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाबे अहमद अली शिराजी कराची, जनाबे मोहतरम अहमद रजा शिराजी साहब का इस्तकबाल भी कीजिए एक मरतबा मोहम्मद औले मोहम्मद पर सलवात पढ़कर। अल्लाहुम्म सल्ली अला पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हो बड़ा लजपाल अली, हो बड़ा लजपाल अली, जो लगियां ने भाजन दे, बड़ा लजपाल अली, जेदे कोल तो सड़ना है, जेदे कोल तो सड़ना है, और शजरा जान दे, बड़ा लजपाल अली। सोना मेरा मौला अली, रहीम ते करीम अली, सोना मेरा मौला अली, रहीम ते करीम अली, जो किले तू ले इंसान तई, जो किले तू ले इंसान तई, इज्जत वड़ा जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां ने भाजन दे, बड़ा लजपाल अली। सोना मेरा मौला अली, नबी दा वजीर अली, सोना मेरा मौला अली, नबी दा वजीर, जो अपने दर्द बंदियां नू, जो अपने दर्द बंदियां नू, कलंदर बना जान दे, बड़ा लजपाल अली, जो लगियां ने भाजन दे, बड़ा लजपाल अली। तू अपने घर दरा भूले हैं, तू अपने घर दरा भूले हैं,
ब्रजपाल हली जो लगियां ने भाजन दे बड़ा लजपाल हली। सोना मेरा पीर गाजी है जिंदे ते बीबी जहरा राजी है। सोना मेरा पीर गाजी है जिंदे ते बीबी जहरा राजी है। जे ओखे वेल सैयदा नाल जे ओखे वेल सैयदा नाल करण वफा जान गए बड़ा लजपाल अली जो लगियां ने भाजन दे बड़ा लजपाल अली। जिंदे कोल तो सड़ने जिंदे कोल तो सड़ने और शंदरा जान दे बड़ा लजपाल अली। मोहतरम नाजरीन बेहतरीन कलाम आप समात फरमा रहे थे मोहतरम जनाब अहमद रजा शिराजी साहब की जबानी। हमारी दुआ है अल्लाह पाक जनाब अहमद रजा शिराजी साहब को दुनिया की हर बला से महफूज फरमाए और माँ बाप के साए घर के बुजुर्गों के साए कौम के बुजुर्गों के साए में इन्हें परवान चढ़ाए आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद रजा शिराजी साहब कराची। आइए मोहतरम नाजरीन इस वक्त शोराए कराम की खिदमत में मद्दाहाने अहले बैत अतहार की खिदमत में गुजारिश करने का शरफ हासिल करेंगे। मैं सबसे पहले इस वक्त हमारी फहरिस्त में एक मद्दाहे अहले बैत जिनका नाम नामी जासिर अब्बास जाफरी कराची से नजराने अकीदत पेश करेंगे। मैं मोहतरम का इस्तकबाल करते हुए चार मिसरे शायर के पेश करता हूँ। जिक्र अहले बैत में मसरूर रहना चाहिए नूर वालों को करीब नूर रहना चाहिए। आदमी अक्सर बिगड़ता है गलत माहौल में दुश्मने आले नबी से दूर रहना चाहिए। दुश्मने आले नबी से दूर रहना चाहिए। बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ मद्दाहे अहले बैत मोहतरम जासिर अब्बास जाफरी से नजराने अकीदत पेश करें मौला की बारगाह में। मोहतरम नाजरीन इनका इस्तकबाल भी एक मरतबा मोहम्मद औले मोहम्मद पर सलवात पढ़कर करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मरकज़े शाहे विलायत की तमाम टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। तमाम देखने सुनने वालों को जासिर अब्बास की तरफ से जश्न ईद गदीर मुबाला बहुत बहुत मुबारक हो। जो जश्न मरकज़ शाहे विलायत ग्रुप ने इनेकाद किया है जिस जश्न का, इससे बड़ी ईद सईद हमारी दीन इस्लाम में मौजूद नहीं है। उसी हवाले से चंद अशार मनकबत के आपकी समातों की नज़र पेश करता हूँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमल ये खैर है ले बिला गदीर के दिन। अमल ये खैर है अहले बिला गदीर के दिन। अमल ये खैर है अहले बिला गदीर के दिन। के ज़्यादा कीजिए शुक्र खुदा गदीर के दिन। के ज़्यादा कीजिए शुक्र खुदा गदीर के दिन। गदीर के दिन गदीर के दिन। जगह जगह पे शहर में विला की महफिल है। जगह जगह पे शहर में विला की महफिल है। कहाँ पे जाए मुकसर भला गदीर के दिन।
गदीर के दिन, गदीर के दिन कोई था गार में गिरिया कुना शबे हिजरत, कोई था गार में गिरिया कुना शबे हिजरत, किसी कदम ही निकलने लगा गदीर के दिन, गदीर के दिन, गदीर के दिन, किसी को तपती हुई धूप दे रही थी सुकून, किसी को तपती हुई धूप दे रही थी सुकून, किसी को आग थी ठंडी हवा गदीर के दिन, गदीर के दिन, गदीर के दिन, वो जिसके दर पे सितारे ने था किया सजदा, वो जिसके दर पे सितारे ने था किया सजदा, उसी के सर पे है ताजे वेला गदीर के दिन, गदीर के दिन, गदीर के दिन। और बतौर खास शेर समाप्त नजर कर रहा हूँ, बहुत ही खसूसी शेर आपकी समाप्त नजर। मवालियाँ ने अली को बुला के करते थे, मवालियाँ ने अली को बुला के करते थे, विला का जश्न इमाम रिजा गदीर के दिन, गदीर के दिन, गदीर के दिन। और बहुत सारे खास शेर आपकी समाप्त में नजर करता हूँ। हलाल में से था मुश्किल हराम करना जुदा, हलाल में से था मुश्किल हराम करना जुदा, ये मरहला भी सहल हो गया गदीर के दिन, गदीर के दिन, गदीर के दिन। तमाम शोरा कराम यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ, इसी जश्न में मौजूद हैं शहरी के तमाम शोरा कराम की नज़र बतौर ख़ास शेर आपकी समक्ष नज़र करता हूँ। अजीब शौक से देखो जनाब मीसम ने, अजीब शौक से देखो जनाब मीसम ने, शजर को और भी पानी दिया गदीर के दिन, शजर को और भी पानी दिया गदीर के दिन, गदीर के दिन, गदीर के दिन। आखिरी शेर आपकी समाअत नज़र, क़िबला अल्लामा अली रज़ा नक़वी साहब का कलाम आपकी समाअत नज़र किया, शेर बतौर ख़ास समाअत नज़र। बहुत ज़रूरी है जासिर खुदा के शुक्र के बाद, बहुत ज़रूरी है जासिर खुदा के शुक्र के बाद, सब अपनी माँ का करें शुक्रिया गदीर के दिन, गदीर के दिन, गदीर के दिन। मक्ता आगे समझ है, रज़ा सिवाय गमे हजरत इमाम हुसैन, रज़ा सिवाय गमे हजरत इमाम हुसैन, हर एक गम को करें अलविदा गदीर के दिन, हर एक गम को करें अलविदा गदीर के दिन, गदीर के दिन,
गदीर के दिन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब रज़ा साहब का, हसन साहब का, जिन्होंने मुझे इस जश्न में शरीक होने के दावत कलाम दिया और इस जश्न में शरीक होने का सवाब हासिल करने के लिए मैंने नजराना अकीदत मौला की बारगाह में पेश किया। मैं आप तमाम ही मोमिनीन को, देखने सुनने वालों को, शोरा कराम जो मेरे साथ इसका मौजूद हैं जश्न में, इसका सब पूरी शाह मरकज़ शाह विलायत टीम को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ जश्न की, और तमाम मोमिनीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे हक़ में दुआ फरमाएँ कि इसी तरह मैं ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में सारी ज़िंदगी अपनी सर्फ करता रहूँ। मौला मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, इलाही आमीन। और आप तमाम मोमिनीन को अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। खुश रहें, आबाद रहें मोहतरम शायर अहले बैत जनाब जासिर अब्बास जाफरी कराची। वाकियन बड़ा खूबसूरत कलाम आपने मौला की बारगाह में पेश किया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मोहतरम नाजरीन, जासिर अब्बास साहब को आप समात फरमा रहे थे, इस वक्त हम गुजारिश कर रहे हैं इंडिया की एक और मोतबर शख्सियत मोहतरम शायर अहले बैत तमसील सरसवी साहब की खिदमत में, शायर के चार मिसरों के साथ के मोहतरम जनाब सरवर नवाब साहब ने कहा था, शायर थे मुकर्रर थे नबी से पहले, थी और जबाने अरबी से पहले, लगता है मगर नहजे बलागा पढ़कर बोला ही नहीं कोई अली से पहले, बोला ही नहीं कोई अली से पहले। इन मिसरों के साथ गुजारिश करता हूँ मद्दा अहले बैत मोहतरम तमसील सरसवी इंडिया से कलाम पेश करें मौला की बारगाह में, इनका इस्तकबाल भी दुरूद पाक से कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। गुलशन शरीयत की हर कली मोहम्मद का, गुलशन शरीयत की हर कली मोहम्मद का जिक्र करती रहती है हर घड़ी मोहम्मद का, जिक्र करती रहती है हर घड़ी मोहम्मद का। जन्नते चली आई मेरे खैर मखदम को, जन्नते चली खैर मखदम को, मेरे खैर मखदम को जिक्र करके बैठा था मैं अभी मोहम्मद का, जिक्र करके बैठा था मैं अभी मोहम्मद का। आयत वजीफे में जिसके रहती है मशगूल, आयत वजीफे में जिसके रहती है मशगूल, जिसके रहती है मशगूल, इश्क मेरे सीने में है उसी मोहम्मद का, इश्क मेरे सीने में है उसी मोहम्मद का। खास गर ज़हूर मौला को देख लूं मैं आँखों से, गर ज़हूर मौला को देख
पाएगी मेरी आशिकी मोहम्मद का दीद पाएगी मेरी आशिकी मोहम्मद का। कब अंधेरे पड़ते हैं नूर की ताअत को, कब अंधेरे पड़ते हैं नूर की ताअत को, नूर की ताअत को जिक्र सिर्फ करती है रोशनी मोहम्मद का, जिक्र सिर्फ करती है रोशनी मोहम्मद का। कत्ल तेग हैदर से होंगे दुश्मन इस्लाम, कत्ल तेग हैदर से होंगे दुश्मन इस्लाम, होंगे दुश्मन इस्लाम। काम होगा पहला ये आखिरी मोहम्मद का, काम होगा पहला ये आखिरी मोहम्मद का। मतलब कह उठे तेरा दुश्मन देख कर अमल तमसील, कह उठे तेरा दुश्मन देख कर अमल तमसील, देख कर अमल तमसील। तू है चाहने वाला वाकई मोहम्मद का, तू है चाहने वाला वाकई मोहम्मद का। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत मोहतरम शायर अलवेद तमसील सरसवी साहब इंडिया, आपने भी बहुत अच्छा कलाम बारगाहे मौला में पेश किया, आपकी खिदमत में भी शुक्र का नजराना पेश करता हूँ। आइए मोहतरम नाजरीन एक और मद्दाए आले वैद की खिदमत में गुजारिश करेंगे, वो भी किसी तरह तारुफ के मोहताज नहीं आए। मोहतरम जनाब रजा यूसुफ तकवी कराची से इस वक्त मौला की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। शायर ने कहा क्या गौर करूं मुल्क सुलेमानी पर, क्या गौर करूं मुल्के सुलेमानी पर, है फख्र मुझे जज्बे ईमानी पर, है फख्र मुझे जज्बे ईमानी पर, खाके दरे हैदर है जबी पर रोशन, जन्नत की सनद है मेरी पेशानी पर, जन्नत की सनद है मेरी पेशानी पर। इन मिसरों के साथ गुजारिश करता हूं मोहतरम शायर अलबैत जनाब रजा यूसुफ अमरुहवी से अपना कलाम पेश करें। मोहतरम नाजरीन मौला का एक नारा लगाकर इनका इस्तकबाल कीजिएगा, नारा हैदरी या अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन एक मनकबत पेश कर रहा हूँ आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूँ कि सुन के अहमद का एक ऐलान गदीर खुम में, सुन के अहमद का एक ऐलान गदीर खुम में, शेख साहब हैं परेशान गदीर खुम में, सुन के अहमद का एक ऐलान गदीर खुम में, शेख साहब हैं परेशान गदीर खुम में, और आज अहमद ने बनाया है अली को मौला, आज अहमद ने बनाया है अली को मौला, खुश हैं यूं बूज़र सलमान गदीर खुम में, आज अहमद ने बनाया है अली को मौला, खुश हैं यूं
بوزر و سلمان غدیر خم میں، اور دین کامل ہوا ایمان نے پائی ہے جلا، دین کامل ہوا ایمان نے پائی ہے جلا، بڑھ گیا اور بھی ایقان غدیر خم میں، دین کامل ہوا ایمان نے پائی ہے جلا، بڑھ گیا اور بھی ایقان غدیر خم میں، اور چھت گئے قلب عدو سن کے صدائے بخن، چھت گئے قلب عدو سن کے صدائے بخن، دل پہ چلتے رہے پیکان غدیر خم میں، چھت گئے قلب عدو سن کے صدائے بخن، دل پہ چلتے رہے پیکان غدیر خم میں، اور آرزو دل میں ولایت کی تھی جو برسوں سے، آرزو دل میں ولایت کی تھی جو برسوں سے، ختم اس کے ہوئے امکان غدیر خم میں، آرزو دل میں تھی، آرزو دل میں ولایت کی جو تھی برسوں سے، ختم اس کے ہوئے امکان غدیر خم میں، اور کس کو ہے عشق علی اور کسے بغض علی، کس کو ہے عشق علی اور کسے بغض علی، ہو گئی اس کی بھی پہچان غدیر خم میں، کس کو ہے عشق علی اور کسے بغض علی، ہو گئی اس کی بھی پہچان غدیر خم میں، اور وہ بھی ہو جائے گا پالانے علی سے کم تر، وہ بھی ہو جائے گا پالانے علی سے کم تر، آئے جو تخت سلیمان غدیر خم میں، وہ بھی ہو جائے گا پالانے علی سے کم تر، آئے جو تخت سلیمان غدیر خم میں، اور مقطع عرض ہے کہ ابتدا جس کی اے یوسف ہوئی صدیوں پہلے، ابتدا جس کی اے یوسف ہوئی صدیوں پہلے، اب بھی جاری ہے وہ فیضان غدیر خم میں، سن کے احمد کا ایک اعلان غدیر خم میں، شیخ صاحب ہیں پریشان غدیر خم میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مداح اہل بیت محترم رضا یوسف تقوی کراچی سے، جو نذرانۂ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے ان کے بعد میں ایک اور مداح اہل بیت کی خدمت میں گزارش کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ مداح اہل بیت بھی کسی طرح تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سرزمین دہلی پر رہتے ہیں۔ محترم ساحل امروہوی جو اس وقت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی انہیں سعادت نصیب ہو رہی ہے، ان کی خدمت میں بھی بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں نذرانۂ عقیدت پیش کریں۔ ان کا استقبال بھی بارگاہ محمد آل محمد میں ایک درود پڑھ کر کریں۔ اللہ سب سے پہلے چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں غدیر کے حوالے سے، تمام مولائیوں کی نظر کرتا ہوں، بطور خاص دیکھیں گے۔ جیسا دیا رسول نے ویسا ہے آج تک، یہ کون کہہ رہا ہے کہ منبر بدل دیا، حیدر کو جا نشین بنایا رسول نے، پر
पर तुम जानशीने पयंबर बदल दिया, पर तुम जानशीने पयंबर बदल दिया। एक मंतबत के दो तीन शेर और हाजिर कर रहा हूँ गदीर के हवाले से। खुश हो रहे हैं सारे पयंबर गदीर में, खुश हो रहे हैं सारे पयंबर गदीर में। मौला बनाए जाते हैं हैदर गदीर में, मौला बनाए ये विषय के हैदर को जानशीन बनाने के वास्ते, बनवाया है रसूल ने मिंबर गदीर में, बनवाया है रसूल ने मिंबर गदीर में। ओ मौलाइयों के चेहरों पे होता है यूं तो नूर, कुछ और हो रहे हैं मुनव्वर गदीर में, कुछ और हो। ये भी शेर हाजिर करता हूं कि महरूम रह गया वो विलायत के नूर से, ओढ़े था जो भी बुग्ज की चादर गदीर में, ओढ़े था जो भी बुग्ज की चादर गदीर में। और शेरे खुदा के हाथ को हाथों में थाम कर सबको दिखा रहे हैं पयंबर गदीर में, सबको दिखा रहे। और साहिल जो मांगना है तुम्हें मांग लो यहाँ, खैरात बट रही है बराबर गदीर में, खैरात बट। मोहतरम नाजरीन, जैसे कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, ये महफिल जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं यमवो हैच चैनल से नशर हो रही है, और इन तमाम चैनल के जिम्मेदारों के हक में आप दुआ फरमाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी इनकी खिदमात हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मौला इन सब की खिदमात को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। मुझे नहीं मालूम दुनिया के किस किस गोशे से मोमिनीन मोमिनात इस महफिल को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और शोराए अहले बैत के हक में दुआ फरमा रहे हैं। आइए मैं मारिश करता हूँ मद्दाह अहले बैत जनाब सुहेल वास्ती साहब,
इंडिया से इस वक्त मौला की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इनके इस्तकबाल में भी एक मरतबा, चूंकि अय्याम है मौलाए कायनात जश्न, अमीर कायनात है, दिल खोल कर अपने अपनी जगहों से ही नारे लगाएं। नारा है दरी, नारा सफ दरी। मोहतरम जनाबे शायर अहले बैत सोहेल वास्ती साहब, इंडिया से गुजारिश करता हूं, इंडिया की सरजमीन से मोहतरम जनाब सोहेल वास्ती साहब नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, चंद अशआर पेश खिदमत हैं ईद गदीर के हवाले से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोशे नबी पे आज है सुल्तान गदीर में, दोशे नबी पे आज है सुल्तान गदीर में, जलवा फिगन है फख्र सुलेमान गदीर में, जलवा फिगन है फख्र सुलेमान गदीर में। और दुश्मन अली के यूं है पशेमान गदीर में, दुश्मन अली के यूं है पशेमान गदीर में, दिल में मचल के रह गए अरमान गदीर में, दिल में मचल के रह गए अरमान गदीर में। चेहरों से जान लीजिए अपना है कौन गैर, चेहरों से जान लीजिए अपना है कौन गैर, पहचान करना हो गया आसान गदीर में, पहचान करना हो गया आसान गदीर में, और अंजाम को पहुंच गया मुनकिर गदीर का, अंजाम को पहुंच गया मुनकिर गदीर का, हारिस जो बन के आया था शैतान गदीर में, हारिस जो बन के आया था शैतान गदीर में, सुनकर लबे रसूल से ऐलान किरदगार, मौलाई आज होते हैं नाज़ां गदीर में, मौलाई आज होते हैं नाज़ां गदीर में। और सिलसिले का आखिरी शेर, अहमद के दोष पर है अली आज जलवगर, कुरान के है हाथों पे कुर्बान गदीर में, कुरान के है हाथों पे कुरान गदीर में, जो ही नबी ने आए बल्लिग पढ़ी सुहैल,
नेमतों से हो गया मैदान गदीर में, दोषे नबी पे आज है सुल्तान गदीर में। आइए इनके बाद एक और मद्दा अहले बैत की खिदमत में गुजारिश करने का शरफ हासिल करेंगे। शायर ने कहा, मोहतरम सरवर साहब कहते हैं, तहरीर सलूनी में जली लिखा रखा है, तहरीर सलूनी में जली लिखा है, जागीर इमाम अजली लिखा है, तहरीर सलूनी में जली लिखा है, जागीर इमाम अजली लिखा है, कुदरत ने लदुन्नी के कलम से सरवर हर इल्म के माथे पा अली लिखा है, हर इल्म के माथे पा अली लिखा है। इन मिसरों के साथ गुजारिश करता हूं मोहतरम मद्दाए आले बैत नाजिम अमरोही इंडिया, मोहतरम जनाबे नाजिम अमरोहवी इंडिया की खिदमत में गुजारिश है, नजराने अकीदत पेश करें। मोहतरम नाजरीन, एन के इस्तकबाल में भी आले बैत की बारगाह में एक मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलावात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले एनवर चैनल की जानिब से और मैं अपनी जानिब से तमाम सामाईन का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस जश्न जश्न गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चार मिसरे समाप्त फरमाए, सबसे पहले गदीर के हवाले से चार मिसरे पेश करता हूँ, समाप्त फरमाए। बल्लिग के तेवर मुस्तफा ने भाप कर, आयते बल्लिग के तेवर मुस्तफा ने भाप कर, नशीनी अली का हम कर दिया, आयत बल्लिग के देवर मुस्तफा ने भाप कर, एक मतलब और दो तीन शेर समाज संभाले जश्न गदीर के हवाले से समाज संभाले। इंतकाम मौला को, ये चार मिसरे और मतलब रखा समाज संभाले। इंतकाम मौला को नजीर कहते हैं, इंतकाब मौला को बेनजीर कहते हैं, और
جشن حیدر کو ہم غدیر کہتے ہیں اور جشن حیدر کو ہم غدیر کہتے ہیں انتخاب مولا کو بے نظیر کہتے ہیں اور جشن حیدر کو ہم غدیر کہتے ہیں او خوب پل کے دیکھا ہے ہم نے مدحیدر میں جو انیس کہتے انتخاب مولا کو من قبل ایک مطلب اور تین چار شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے. دل میں حیدر کی ولایت کو بسائے رکھیے دل میں حیدر Oh.
चूर जब तक ना हो हर एक बुलंदी का गुरूर। बताओ रे खाल देखे कि चूर जब तक ना हो हर एक बुलंदी का गुरूर। या नबी हाथ पा हैदर को उठाए रखिए, या नबी हाथ पा हैदर को कि नुसरत साहिब गैबत के लिए लाजिम है, नुसरत साहिब कि नाज़िम आएंगे नाज़िम आएंगे जरूर आज रसूल अकरम, नाज़िम आएंगे जरूर आज रसूल अकरम। मन कबद होंठ पा हैदर की सजाए रखिए, मन कबद होंठ पा हैदर की सजाए रखिए, दिल में हैदर की विलायत को बसाए रखिए। गर्म अल्लाह बहुत बहुत मोहतरम नाजिम अमरोही साहब, आपने भी बहुत अच्छा कलाम पेश किया, आपकी खिदमत में भी शुक्र का नजराना पेश करता हूँ। सलामत रहें, आबाद रहें। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मुखातिब थे और बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे मद्दाए आले बैत जनाब नाजिम अमरोही इंडिया से। आइए इनके बाद एक और मद्दाए आले बैत की खिदमत में गुजारिश का शरफ हासिल करेंगे। ये भी किसी तरह तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अलीपुरी हैं। अलीपुर कर्नाटक में एक शहर है अलीपुर, जिसे मोहतरम रजा जवाद साहब भी जानते हैं, और ना फकत हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ये शहर अपनी मिसाल आप रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी शहर के रहने वाले और इंडोनेशिया में इनका कारोबार है। जजाकल्ला शायर अहले बैत दैबल शाहिदी इस वक्त नजराने अकीदत पेश करेंगे मौला की बारगाह में जनाब दैबल शाहिदी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दैबल शाहिदी का सलाम आदाब। मैं सबसे पहले तकमील दीन एलान विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और फिर MOH जो अच्छा सा चैनल है, मैं उनके तमाम मुंतजमीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके वसीले से बारगाह मौलाए कायनात में नजराने अकीदत पेश करने का मौका इन्हें फरमाया। आइए मैं चार मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमा लें चार मिसरे कि रोशन है जिससे दीन वो तनवीर है गदीर, रोशन है जिससे दीन वो तनवीर है गदीर, कुल अंबिया के ख्वाब की ताबीर है गदीर,
کل انبیاء کے خواب کی تعبیر ہے غدیر کہ گودی میں تیری آج نبی اور امام ہیں، گودی میں تیری آج نبی اور امام ہیں، کعبے سے بھی سوا تیری تقدیر ہے غدیر، کعبے سے بھی سوا تیری تقدیر ہے غدیر۔ اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں غدیر کے حوالے سے، دیکھیے گا کہ بزم ملائکہ میں ہے چرچے غدیر کے، بزم ملائکہ میں ہیں چرچے غدیر کے، پھیلے ہیں چار سمت اجالے غدیر کے، پھیلے ہیں چار سمت اجالے غدیر کے، وہ یہ کہہ رہی ہے آیا اکمل تو آج بھی، یہ کہہ رہی ہے آیا اکمل تو آج بھی، قرآن پڑھ رہا ہے خسید غدیر کے، قرآن پڑھ رہا ہے خسید غدیر کے۔ اور ایک مطلع دو چار شعر سماعت فرمانا مولا کائنات کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، مطلع کہ کتنے حسین ہیں تحفہ داور علی کے نام، کتنے حسین ہیں تحفہ داور علی کے نام، کعبہ بہشت زمزم و کوثر علی کے نام، کعبہ بہشت زمزم و کوثر علی کے نام۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میرے لبوں کو چومنے آتے ہیں جبرائیل، میرے لبوں کو چومنے آتے ہیں جبرائیل، قرآن جب بھی پڑھتا ہوں لے کر علی کے نام، قرآن جب بھی پڑھتا ہوں لے کر علی کے نام۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ دیکھا ہے بادشاہوں کو در پر کھڑے ہوئے، دیکھا ہے بادشاہوں کو در پر کھڑے ہوئے، خیرات مانگتے ہوئے لے کر علی کے نام، خیرات مانگتے ہوئے لے کر علی کے نام۔ اور شعر دیکھیے گا کہ سولی پا چڑھنے والے تجھے سینکڑوں سلام، سولی پا چڑھنے والے تجھے سینکڑوں سلام، کس وقت آئے تیری زباں پر علی کے نام، کس وقت آئے تیری زباں پر علی کے نام۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ باغ فدق تو بھیک میں دے دیتی فاطمہ، باغ فدق تو بھیک میں دے دیتی فاطمہ، گھر آ کے درپا مانگتے لے کر علی کے نام، گھر آ کے درپا مانگتے لے کر علی کے نام۔ اور مختا بھی دیکھیے گا کہ دیبل تو مدح خان ہے ہر دم رہے خیال، دیبل تو مدح خان ہے ہر دم رہے خیال، منصوب ہے بلندیے ممبر علی کے نام، منصوب ہے بلندیے ممبر علی کے نام، کتنے حسین ہیں تحفہ داور علی کے نام، کعبہ بہشت زمزم و کوثر علی کے نام۔ اور ایک مطلع دو تین شعر جو بالکل تازہ سماعت فرمائیے گا، مطلع یوں ہے کہ جو رب کعبہ نے بخشی ہے تجھ کو شان علی، جو رب کعبہ نے بخشی ہے تجھ کو شان علی، وہی کرے گا فضیلت تیری بیان علی، وہی کرے گا فضیلت تیری بیان علی۔ شعر دیکھیے گا کہ ملا ہے سورہ کوثر کو ہمسری کا شرف، ملا ہے سورہ کوثر کو ہمسری کا شرف، سلام سورہ رحمان کے ترجمان علی، سلام سورہ رحمہ کے ترجمان علی۔ اور یہ شعر کے جہاں ضرورتیں نبیوں کی پوری ہوتی ہیں، جہاں ضرورتیں نبیوں کی پوری ہوتی ہیں، قسم ہے کعبے کی وہ ہے تیرا مکان علی، قسم ہے کعبے کی وہ ہے تیرا مکان علی۔ اور یہ دو شعر دیکھیے گا، مولا حضرت مولا کائنات اور میسم کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ بھی
کوئی آج تک نہ کر نہ سکا، یہ فیصلہ بھی کوئی آج تک نہ کر پایا، یہ فیصلہ بھی کوئی آج تک نہ کر پایا، تیری دکان ہے یا میسم کی ہے دکان علی، تیری دکان ہے یا میسم کی ہے دکان علی. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ وہ کیسا صاحب فن تھا تیرا موزن عشق، وہ کیسا صاحب فن تھا تیرا موزن عشق، فراز دار پا دیتا ہے جو اذان علی، فراز دار پا دیتا ہے جو اذان علی. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں. زندہ باد زندہ باد، سلامت رہیں محترم دیبل شاہدی صاحب. کیا کہنے، بڑا خوبصورت کلام آپ نے مولا کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ پاک آپ کی حاضری کو، آپ کے کلام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ. محترم ناظرین، جناب دیبل شاہدی صاحب کے بعد ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں ایک اور مدعی اہل بیت جو چھولس کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، شاعر اہل بیت جناب ضیاء عباس چھولسوی سے درخواست کرتا ہوں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترم جناب ضیاء عباس صاحب کا استقبال بھی محمد آل محمد پر درود پاک پڑھ کر کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، عید غدیر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہ کو کہاں چھپائے جہالت کی زندگی، منہ کو کہاں چھپائے جہالت کی زندگی، ہے اتنی تابناک رسالت کی زندگی، ہے امر حق علی کی نیابت کی زندگی، مرضی کردگار طہارت کی زندگی، اعلان ہو رہا ہے ولایت کا دہر میں، اب کیا کہیں کہ کیا ہے خلافت کی زندگی، مولا میں جس کا اس کے یہ مولا علی بھی ہیں، یہ ذات ہے کتاب کی آیت کی زندگی، اعلان سن کے ہو گیا حارث جو معترض، پتھر نے اس کو دی ہے ہلاکت کی زندگی، بخن لکا کے شور میں ایسی بھی تھی صدا، جس کے گلے میں پڑ گئی لعنت کی زندگی، واجب ہے مکے اور مدینے کا احترام، بہتر مگر ہے آج تو بھارت کی زندگی، کامل ہوا ہے دین ہوئی نعمتیں تمام، کامل ہوا ہے دین ہوئی نعمتیں تمام، جس روز سے ملی ہے ولایت کی زندگی، رب کریم سے یہ دعا ہے مجھے ملے مولا علی کی چشم عنایت کی زندگی، مشہد ہو سامرا ہو نجف ہو کے کربلا، مشہد ہو سامرا ہو نجف ہو کے کربلا، مل جائے مجھ کو سب کی زیارت کی زندگی، صدقے میں پنجتن کے مجھے اے خدا ملے، علم و عمل کی فہم و فراست کی زندگی، مولا ہمارا نور کی تخلیق ہے ضیا، رہتی ہے ہم سے دور ضلالت کی زندگی. محترم ناظرین، شاعر آل بیت جناب ضیاء عباس چھولسوی بھی بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. مولا انہیں ہمت دے، دنیا کی ہر بلا سے محفوظ فرمائے، اور اسی راہ پر مولا کی مدح کی راہ پر گامزن رکھیں. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے محترم ضیاء عباس صاحب. آئیے اس وقت ایک اور مدعی آل بیت کی خدمت میں گزارش کا شرف حاصل کریں گے. چار مصروں کے ساتھ استاد الشعرا مرحوم مغفور جناب ریحان اعظمی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولا کے غلاموں کے ساتھ روز محشر انہیں محشور فرمائے. کیا شاعر تھا، کیا لب و لہجہ تھا. اللہ اکبر کہتے ہیں کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے، اسی لیے نہ بنایا خدا نے اور علی خود
शिगाफ में बार बार कौन करे। इन मिस्रों के साथ गुजारिश करता हूँ मुतमदाय आलम जनाब खुर्शीद हैदर लाहौर से करने की सादत करेंगे। इनका इस्तकबाल मोहतरम नाज़रीन एक मर्तबा मौला की बारगाह में नारा हैदरी लगाकर करें। नारा हैदरी या अली آل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام احباب کو بالخصوص ایم او ایچ کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جشن کے اہتمام پر اور شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس قابل سمجھا اور مجھے اس نوکری کے لیے چنا۔ بہت جلدی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ دیکھیے گا کہ منقبت کے چند اشعار اور مطلع قطع بند اشعار کے ساتھ دیکھیے کہ قائم آل محمد کو بلانا چاہیے، قائم آل محمد کو بلانا چاہیے، جشن عید اللہ الاکبر منانا چاہیے، اور دیکھ کر سرکار مہدی محفل عید غدیر، آئیں خوش ہوں اہتمام ایسا کرانا چاہیے۔ اور شعر دیکھیے کہ جتنے پروانے رسالت کے یہاں موجود ہیں ان کو حکم کبریا سے آزمانا چاہیے، اور حکم تھا روکو بلاؤ کوئی جائے مت کہیں، حکم تھا روکو بلاؤ کوئی جائے مت کہیں، رہ گئے ہیں پیچھے جو ان کو بھی آنا چاہیے، رہ گئے ہیں پیچھے جو ان کو بھی آنا چاہیے، اور زین ہر گھوڑے سے لے لو، زین ہر گھوڑے سے لو ہر ایک کجاوا اونٹ سے، زین ہر گھوڑے سے لو ہر ایک کجاوا اونٹ سے، اور بھاگنے کا خم سے کوئی نہ بہانا چاہیے۔ اور ہے یہ دستِ کبریا اس واسطے معراج پر، ہے یہ دستِ کبریا اس واسطے معراج پر، ہے بلایا ہاتھ اس کو بھی بٹانا چاہیے۔ یہ متصل کیا تھا صرف اس کو وضاحت کے لیے کہ جو شبِ معراج تھاما آپ نے تھا ہاتھ ایک، جو شبِ معراج تھاما آپ نے تھا ہاتھ ایک، حاجیوں کو آج وہ بازو دکھانا چاہیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ آج کا دن کر دیا مخصوص حیدر کے لیے، آج کا دن کر دیا مخصوص حیدر کے لیے، ترجمہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا چاہیے۔ اور ہے یہ مومن یا منافق جب شبہ ہو جائے تو، ہے یہ مومن یا منافق جب شبہ ہو جائے تو، نعرہ حیدر وہاں فوراً لگانا چاہیے۔ اور چاہتے ہو منزلت سلمان سی ہو ہم کو ملے، چاہتے ہو منزلت سلمان سی ہم کو ملے، ریش سے اس کی طرح جھاڑو لگانا چاہیے۔ اور مقتا دیکھیے گا کہ جب کبھی خورشید تو مدح علی لکھنے لگے، جب کبھی خورشید تو مدح علی لکھنے لگے، واسطہ اکبر کا دے کر گڑ گڑانا چاہیے، واسطہ اکبر کا دے کر گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ مولا اکنات کی مہا کا صورت چمک تھا، آپ سماعت فرما رہے ہیں مدہ اہل بیت محترم جناب خورشید حیدر صاحب لاہور کو، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے، اور لاہور کے سرزمین سے کلام پیش کرتے خورشید حیدر صاحب۔ آئیے ان کے بارے میں چاہتا ہوں ایک اور مطلب شعر کی خدمت میں گزارش کروں۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ علی پور کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے، سے علماء یہاں پر موجود ہیں، بہت سے شعراء کرام ذاکرین خدمت گزار پائے جاتے ہیں، اسی اپنے شہر نفت عقل کے ہندوستان کے باہر بھی انہوں نے اپنا کلام پیش کیا ہے محفلوں میں، بہت اچھا کلام ہوتا ہے ان کا۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ اس مدہ اہل بیت کو سماعت فرمائیں گے تو آپ دعا فرمائیں گے۔ میری مراد ہیں محترم جناب مجیب علی پوری صاحب، شہر اہل بیت مجیب علی پوری صاحب کا استقبال بھی صلوات پڑھ کر کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور قطع ملاحظہ کریں خاص طور سے کہ عزم و عمل، خلوص و محبت، وفا غدیر، عزم و عمل،
خلوص و محبت وفا غدیر ایما کی ابتدا ہے حرم انتہا غدیر ایما کی ابتدا ہے حرم انتہا غدیر او اسلام کے ستون جو ٹہرے وہ چار ہیں تیرا رجب مباہلہ کرب و بلا غدیر تیرا رجب مباہلہ کرب و بلا غدیر اور یہ قطع خاص طور سے یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے عشق درود و سلام تک پہنچے ہمارے عشق درود و سلام تک پہنچے تو ہم دیار رسول انام تک پہنچے او کیا ہے آخری حج آخری رسول کے ساتھ کیا ہے آخری حج آخری رسول کے ساتھ غدیر آئے تو اول امام تک پہنچے غدیر آئے تو اول امام تک پہنچے اور یہ بھی قطع ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی الفت کا جذبہ سر کو کم کرنے نہیں دیتا بطور خاص یہ چار مصرے کہ کبھی الفت کا جذبہ سر کو کم کرنے نہیں دیتا ستم کی دہشتوں سے صبر کو ڈرنے نہیں دیتا او علی کا بغض اور حارس علی کا عشق اور میسم اسے جینے نہیں دیتا اسے مرنے نہیں دیتا اسے جینے نہیں دیتا اسے مرنے نہیں دیتا اور یہ بھی قطع ملاحظہ کریں کہ ہم نے کیا ہے خود کو حوالے غدیر کے ہم نے کیا ہے خود کو حوالے غدیر کے قرآن سے پھر نکات نکالے غدیر کے یہ کائنات ختم بھی ہو جائے گر مجیب زندہ رہیں گے ماننے والے غدیر کے زندہ رہیں گے ماننے والے غدیر کے تو ناظرین اکرام آئیے ایک منقبت کے کچھ شعر ملاحظہ فرما لیں میں مطلع عرض کرتا ہوں کہ کتاب زیست اعمال کے حساب تلے اس کی ردیف ہے تلے ملاحظہ کریں خاص طور سے کتاب زیست ہے اعمال کے حساب تلے میں پڑھ رہا ہوں ولایت کے آفتاب تلے میں پڑھ رہا ہوں ولایت کے آفتاب تلے او بٹھا کے سرپا فلک والے ڈھونڈتے ہیں مجھے بٹھا کے سرپا فلک والے ڈھونڈتے ہیں مجھے مگر میں رہتا ہوں پائے ابو تراب تلے مگر میں رہتا ہوں پائے ابو تراب تلے او بشر کے تن سے چلی روح تو یہ راز کھلا بشر کے تن سے چلی روح تو یہ راز کھلا کہ تھوڑی دیر ہوا آئی تھی حباب تلے کہ تھوڑی دیر ہوا آئی تھی حباب تلے اور فدق کو چھیننے والے علی کے ساتھ رہیں فدق کو چھیننے والے علی کے ساتھ رہیں اندھیرے ہو ہی نہیں سکتے آفتاب تلے اندھیرے ہو ہی نہیں سکتے آفتاب تلے یہاں سے دو تین شعر خاص طور سے کہ نبی کی بزم میں وہ آئیں تو تعجب کیا نبی کی بزم میں وہ آئیں تو تعجب کیا کہ ہم نے دیکھا ہے خاروں کو بھی گلاب تلے کہ ہم نے دیکھا ہے خاروں کو بھی
गुलाब तले खास तौर से ये शेर के ज़ईफ़ी लेती थी अंगड़ाई नुसरत शहमे, ज़ईफ़ी लेती थी अंगड़ाई नुसरत शहमे, हबीब झूम रहे थे नए शबाब तले, हबीब झूम रहे थे नए शबाब तले, वो कम सिनी वो आतश धूप तीर लंपा हंसी, वो कम सिनी वो आतश धूप तीर लंपा हंसी, कई सवाल सिमट आए एक जवाब तले, कई सवाल सिमट आए एक जवाब तले, आखिरी शेर कि अजाका फर्श जमी पर कुछ इस कदर फैला, अजाका फर्श। शुक्रिया बहुत बहुत अहले बैत जनाब मुजीब अलीपुरी साहब, क्या कहने हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम मौला की बारगाह में आपने पेश किया, जजाकल्लाह, खुश रहें सलामत रहें। नाज़रीन बात फरमा रहे थे अहले बैत जनाब मुजीब अलीपुरी साहब को, आइए के बाद कर हैं डॉक्टर मदया अहबैद रजी अमरोही अलीगढ़ में, जिनका क्याम है मौला का ये चाहने वाला मदया अहल बैत अलीगढ़ की सरजमीन से नजराना पेश कर रहा है। मोहतरम डॉक्टर रजी अमरोही को मैं चार मिसरों के साथ गुजारिश करूंगा। मारूफ साहब ने कहा कि एक तरफ दो शेर पेश करते हैं, वो मुलाहजा करें, यह है कुदरत लफ्ज से मफहूम पूरा हो गया, यह है कुदरत लफ्ज से मफहूम पूरा हो गया, बिस्म लिखा और हैदर का कसीदा हो गया, बिस्म लिखा और हैदर का कसीदा हो गया, एक तरफ सलमानो मिन्नी एक तरफ तब्बत यदा, गैर अपना हो गया अपना पराया हो गया, गैर अपना हो गया अपना पराया हो गया। इन चार मिसरों के साथ बड़े आदब के साथ गुजारिश करता हूं मोहतरम डॉक्टर रजी अमरोही अलीगढ़ से नजराना अकीदत पेश करें मौला की बारगाह में। मोहतरम नाजरीन, इनका इस्तकबाल भी मौला की बारगाह में, एक नारा लगा कर करें, नारा है दरी याली, नारा है दरी याली। मौजी सामाईन और नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं डॉक्टर रजी अमरोही अलीगढ़, पंज रोज़ा आलमी जश्न में मुझे शिरकत का मौका दिया, जिसके लिए मैं रजा जवाद साहब और तमाम मेम्बरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। चार मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहजा करें कि कभी किसी से कभी वो किसी से मिलते हैं, कभी किसी से कभी वो किसी से मिलते हैं, जो अहले बैत को माने कमी से मिलते हैं, जो अहले बैत को माने कमी से मिलते हैं, हमारे पास यूं ही मुश्किलें नहीं आती, हमारे पास यूं ही मुश्किलें नहीं आती, हमारे शजरे तो मौला अली से मिलते हैं, हमारे शजरे तो मौला अली से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मनकबत के चंदाशार मतलब मुलाहजा करें, ये क्यों कहूँ कि मेरी अलग आन बान है, ये क्यों कहूँ कि मेरी अलग आन बान है, मैं हूँ गुलाम उनका यही मेरी शान है, मैं हूँ गुलाम उनका यही मेरी शान है, मेरा नहीं ये सारे जहाँ का बयान है, मेरा नहीं
ये सारे जहाँ का बयान है कुरान की जबान, अली की जबान है कुरान की जबान, अली की जबान है। जो पूछना है तुम को अली से वो पूछ लो, जो पूछना है तुम को अली से वो पूछ लो। ये वो हैं जिनको सारे जहानों का ज्ञान है, ये वो हैं जिनको सारे। और शेर देखिए, आती कभी नहीं है परेशानियाँ वहाँ, आती कभी नहीं है परेशानियाँ वहाँ, होता जहाँ जनाबे अली का बयान है। और ये शेर भी, मुश्किल कुशा का नाम है मेरी जबान पर, मुश्किल कुशा का नाम है मेरी जबान पर, सब मुश्किलों की इसलिए मुश्किल में जान है, सब मुश्किलों की इसलिए मुश्किल में जान है। और ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलायजा करे, करना तवाफ काबे का लाजिम है हम पे यूं, करना तवाफ काबे का लाजिम है हम पे यूं, वो तो हमारा दादे इलाही मकान है, वो तो हमारा दादे इलाही मकान है। करते नहीं यहाँ जो गरीबों का हक अदा, करते नहीं यहाँ जो गरीबों का हक अदा, देना उन्हें बरोजे कयामत लगान है, देना उन्हें बरोजे। और ये शेर भी खास तौर से मुलायजा करने, ऐ मुनकिरे अली तू बता जाएगा कहाँ, ऐ मुनकिरे अली तू बता जाएगा कहाँ, तेरी न ये जमीन न ये आसमान है, तेरी न ये जमीन न ये आसमान है। और ये शेर खास तौर से अमरोहा के जितने भी मोमिनीन हैं सभी लोग जानते हैं कि 17 रजब को मौला अली की अमरोहा में छठी मनाई जाती है, उसी मुनासबत से ये शेर पेश कर रहा हूँ मुलायजा करने, अमरोहा में अली की छठी भी मनाते हैं, अमरोहा में अली की छठी भी मनाते हैं, उस दिन के खास
खाने में बुच्चा वो नान है, कुछ दिन के खास खाने में बुच्चा वो नान है। और ये शेर भी मुलायजा करें, किसको कबूल कीजे किसे कीजे मुस्तरद, किसको कबूल कीजे किसे कीजे मुस्तरद, हर मौलवी का अपना अलग ही बयान है, हर मौलवी का अपना अलग ही बयान है। और ये मकता, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम मकता मुलायजा करें, मौला अली के चाहने वाले हैं जो रजी, मौला अली के चाहने वाले हैं जो रजी, जन्नत में उनके वास्ते बुक एक मकान है, जन्नत में उनके वास्ते बुक एक मकान है, कुरान की जबान अली की जबान है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमी, सलाम। मोहतरम नाजरीन, बड़ा ही खूबसूरत नायाब कलाम आप समात फरमा रहे थे मद्दाहे अहले बैत मोहतरम डॉक्टर रजी अमरोहवी अलीगढ़ से। अल्लाह पाक दुनिया की हर बला से ने महफूज फरमाए, मौला की यूं ही ये मधोसना करते रहें, अल्लाह इन्हें तूले उम्र अता फरमाए। आइए इनके बाद मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ एक और मद्दाए अहले बैत की खिदमत में, जनाबे शायर अहले बैत हमजा हामी कराची की सरजमीन से नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं, मोहतरम जनाब हमजा हामी साहब, इनके इस्तकबाल में भी सलवात पढ़ दें मोहम्मद अली मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, हमजा हामी कराची से। मुशायरा आलमी जश्न तकमील दीन ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ अशार। जिस शख्स को हुसैन की नस्बत नहीं मिली, जिस शख्स को हुसैन की नस्बत नहीं मिली, उस शख्स को कहीं पे फजीलत नहीं मिली, उस शख्स को कहीं पे फजीलत नहीं मिली, की सैयदा ने हुज्जत आखिर तमाम और की सैयदा ने हुज्जत आखिर तमाम और फिर फासिकीन को कभी मोहलत नहीं मिली, फिर फासिकीन को कभी मोहलत नहीं मिली, हामी दरे बतूल का करता रहा तवाफ, हामी दरे बतूल का करता रहा तवाफ, मुझको गमे हुसैन से फुर्सत नहीं मिली, मुझको गमे हुसैन से फुर्सत नहीं मिली। और चंद अशार और के, खुलने लगी जुबानें फिर आले रसूल पर, खुलने लगी जुबानें फिर आले रसूल पर, लानत हो दुश्मनाने अली ओ बतूल पर, लानत हो दुश्मनाने अली ओ बतूल पर। और जीती थी जिसने एक तबस्सुम से करबला, जीती थी जिसने एक तबस्सुम से करबला, बेहद सलाम हो मेरा नन्हे से फूल पर, बेहद सलाम हो मेरा नन्हे से फूल पर, मौला जुबां दराज है मिंबर पे जो कसीफ, मौला जुबां दराज है मिंबर पे जो कसीफ, हो मार जुल्फिकार की ऐसे फजूल पर,
हो मार ज़ुल्फ़िकार की ऐसे फजूल पर। शेर देखिए के कुर्बान जाऊं ज़ाते अली और नबी पर मैं, कुर्बान जाऊं ज़ाते अली और नबी पर मैं, हामी मेरा सलाम हो आले बतूल पर, हामी मेरा सलाम हो आले बतूल पर। और एक नज़्म से एक दो बंद आपकी खिदमत में। सरे जमां चहार सू तेरा ही नूर तू ही तू, सरे जमां चहार सू तेरा ही नूर तू ही तू, पुकारते हैं सब यही गली गली में कू बकू, जहूर पा गया जली अली 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 अली, खुशी मना रहे हैं सब इमाम आ गए हैं अब, के हाथ जिसका दस्त रब यही तो है खुदा की छब, यही जुबान ने ईज़ दी अली 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 अली, इमामतों के ताजदार विलायतों की आबशार, ये अंबिया का इफ्तिखार ये औलिया का है विकार, ये नौबत कलंदरी अली 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 अली। खबर करो के मरहबो खुदा का शेर आ गया, लर्ज रहे हैं जिससे सब वही दिलेर आ गया, मिसाल है दिलावरी अली 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 अली, ये ताहिरो तहूर भी दिलों का ये सुरूर भी, खुदा का जो गुरूर भी है इल्म भी शऊर भी, ये ताहिरो तहूर भी दिलों का ये सुरूर भी, खुदा का जो गुरूर भी है इल्म भी शऊर भी, ये जो है इल्म भी शऊर भी, ये जौहरे सिकंदरी अली 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 अली, ये ला मकां का राजदां सदाकतों का आसमां, ये जुर्रतों का वो निशां के अल हफीज़ो अल अमां, ये जौहरी ये सरमदी अली 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 अली, यही वजूद ला इला यही सखी यही सखा, यही तो नूर किबरिया यही है मुश्किल कुशा, यही है फ़ख्र अहमदी अली 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 अली। ज़ुबां पे हामी सुखन रहे ये विरद पंज तन, ज़ुबां पे हामी सुखन रहे ये विरद पंज तन, हसन हुसैन फ़ातिमा अली वली नबी वसी, लगा के नारा हैदरी अली 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 अली। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाजरीन, बड़ा ही मोतबर कलाम आप समात फरमा रहे थे मद्दाहे अहले बैत जनाब हमजा हामी कराची से। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने समात फरमाया। इनके हक़ में भी दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे सलामत रखे, दुनिया के हादसात से इन्हें महफूज फरमाए, मौला इनकी हाजिरी को इनके अशार को कबूल फरमाए। सदर मोहतरम, जैसे कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये हमारी फेरोज़ बख्ती है, ये खुशनसीबी है कि इनकी सदारत में इस वक्त मैं निज़ामत के फ़राइज़ मैंने अंजाम दिए हैं। वाकईन अगर किसी तरह से कोई कोताही हुई है कोई लफ्ज़ों की या किसी तरह से भी कोई मौजू गुफ्तगू ना हुई हो तो मैं सदर मोहतरम की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, दामन अफू मुझे जगह इनात फरमाएं। यकीनन आपकी शख्सियत बड़ी है, आप सुन रहे हैं इस महफिल को, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मौला आपको खुश रखे सलामत रखे। मैं चार मिसरों से खिबला को जहमत देता हूँ। शायर ने कहा मरहूम मफूर जनाब पाखर अमानत खानी, जो एक बहुत उस्ताद शायर, बहुत बड़े उस्ताद शायर हैदराबाद की सरजमीन से गुजरे हैं, बहुत बड़ा शायर गुजरा है, उन्होंने कहा था चश्मे इरफानी में है जलवा फिगन हक्का वली, नूरे वाहिद के जो हैं असरार अब हैं मुंजली, मुस्तफ़ाओ मुर्तज़ा मेरी नज़र में एक हैं, मुस्तफ़ाओ मुर्तज़ा मेरी नज़र में एक हैं, लिख रहा हूँ या मोहम्मद पढ़ रहा हूँ या अली, लिख रहा हूँ या मोहम्मद पढ़ रहा हूँ या अली। ये इन मिसरों के साथ
बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ सदर महफिल मोहतरम जो नायाब शख्सियत हैं, शायर हुसैनियत हैं, नामवर मुफक्किर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, मोहतरम सैयद आबिद नज़र तकवी साहब नज़र अमरोहवी मुकीम लखनऊ, लखनऊ की सरजमीन पर तशरीफ़ रखते हैं। आपका इस्तकबाल करता हूँ मोहतरम नाजरीन, मौसूफ का इस्तकबाल एक मरतबा खलूस के साथ मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ कर करें। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाजरीन सामईन इकराम, मैं आज इस पंज रोज़ा आलमी जश्न तकमील दीन यानी कि आलमी जश्न गदीर जिसके आर्गनाइज़र जनाब रज़ा जवाद रिजवी और रज़ी अमरोवी हैं, उनके एमा पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मैं तहे दिल से तमाम नाज़रीन व सामईन को जश्न गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरू में इब्तदान फर्दियात में दो कते और उसके बाद मनकबत के चंद अशआर मुलाहज़ा फरमा दें कि पे फसाने मौला गदीर लिख देना, पे फसाने मौला गदीर लिख देना, नज़र अली को नबी का वजीर लिख देना, नज़र अली को नबी का वजीर लिख देना, और अली के कब्ज़े कुदरत में बादशाही है, अली के कब्ज़े कुदरत में बादशाही है, पे सवाब जनाबे अमीर लिख देना, पे सवाब जनाबे अमीर लिख देना। चार मिसरे और मुलाहज़ा फरमा लें के आए बल्लिग पढ़ो और गौर से देखो नज़र, आए बल्लिग पढ़ो और गौर से देखो नज़र, सबसे अफजल सबसे औला हैं मोहम्मद और अली, सबसे अफजल सबसे औला हैं मोहम्मद और अली, और रब की जानिब से गदीरे खुम ये ऐलान है कि आज से उम्मत के मौला हैं मोहम्मद और अली, आज से उम्मत। नाज़रीन मनकबत के चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाए, मतलब बलाए मतला कि बल्लिग के साथ उतरी है आयत गदीर में, बल्लिग के साथ उतरी है आयत गदीर में, ओ मुरसल ने किसी की तिलावत गदीर में, मुरसल ने की
इसी की तिलावत गदीर में। मतलसानी के जितनी है सरबलंद रिसालत गदीर में, जितनी है सरबलंद रिसालत गदीर में, उतनी ही सरबलंद इमामत गदीर में, उतनी ही सरबलंद। और अतमन तो के सफीने पर अकमल तो की सनद, अकमल तो के सफीने पे अतमम तो की सनद, अतमम तो के सफीने पे अकमल तो की सनद। कामिल हुआ है दीन भी नेमत गदीर में। और ये शेर बतौर ख़ास के फरमाया यासमो का मिनन्नास ए रसूल, फरमाया यासमो का मिनन्नास ए रसूल, पहुँचाइए हमारी अमानत गदीर में, पहुँचाइए हमारी अमानत गदीर में। और सबके सरों पे धूप थी लेकिन यकीन है, अबरे करम की छाई थी रहमत गदीर में, अबरे करम की। और बख्शन लका अली की सदाओं से ला कलाम, बख्शन लका अली की सदाओं से ला कलाम, साबित हुई अली की फजीलत गदीर में। और ऐलान जानशीनिए हैदर था इसलिए, ऐलान जानशीनिए हैदर था इसलिए, कुछ हाजियों पे टूटी कयामत गदीर में। और मौला के दस्ते पाक पे मौलाए कायनात, मौला के दस्ते पाक पे मौलाए कायनात, ऐलान कर रही है नबूवत गदीर में। और अपने वसी को हाथ में लेकर दिखा दिया, पहचान लो अली की विसायत गदीर में। और ये भी शेर बतौर ख़ास के बेशक अली अजल से हैं मुरसल के जानशीन, बेशक अली अजल से हैं मुरसल के जानशीन, हाँ ज़ाहिरी मिली है खिलाफत गदीर में। और आए हैं अंबियाओ मलक सैयदा भी हैं, आए हैं अंबियाओ मलक फातिमा भी हैं, मैदान खुम की बढ़ गई अजमत गदीर में, मैदान खुम की बढ़ गई अजमत गदीर में। और कौले नबी पे शक जो किया तो सज़ा मिली, हारिस का वाक़या सभी को मालूम है, मुझसे बेहतर जानते हैं लोग, कि कौले नबी पे शक जो किया तो सज़ा मिली, हारिस ने की यही तो जसारत गदीर में। और झूठों पे मार पड़ती है रब्बे कदीर की, जालिम पे की खुदा ने भी लानत गदीर में, जालिम ने पे की खुदा ने भी लानत गदीर में।
और मन कुंतो की हदीसे पैम्बर से बिल यकीन वाजे हुई अली वाजे अली की हो गई अजमत गदीर में। और ये भी शेर बतौर ख़ास नाज़रीन के खुमखाने गदीर में हुब्बे अली का जान खुमखाने गदीर में हुब्बे अली का जाम पीकर समझ में आई इमामत गदीर में। और मुरसल हैं दो जहान की रहमत यकीन है ज़ाते अली है बाए से रहमत गदीर में। और ये शेर आखिर फिर मक्ता कि देखा है हमने शहरे फसाहत के हाथ पर देखा है हमने शहरे फसाहत के हाथ पर एक बोलता कुराने बलागत गदीर में। और लहजा खुदा का कदरे जुदा है यहाँ नज़र बतौर ख़ास मक्ता भी कि रसूल आपने कुछ नहीं पहुँचाया अगर ये न पहुँचाया तेवर तल्ख हैं कि लहजा खुदा का कदरे जहाँ यहाँ जुदा है यहाँ नज़र लहजा खुदा का कदरे जुदा है यहाँ नज़र तेवर बदल के आई है आयत गदीर में तेवर बदल के आई है आयत गदीर में बल्लिग के साथ उतरी है आयत। मोहतरम नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम मदहखानों को और तमाम मद्दहाने अहले बैत अतहार को समात फरमाया। यकीनन आपकी शिरकत को मौला कबूलियत का शरफ अता फरमाएंगे। जिस गांव जिस शहर जिस मुल्क से भी आपने इस आलमी जश्न तकमील दीन को सुना है देखा है सबकी खिदमत में भी फर्दन फर्दन शुक्र का नजराना पेश करता हूं। और साथ ही साथ इस यमवो हेड चैनल के तमाम खिदमत गुजारों की खिदमत में और मोहतरम जनाब रजा जवाद साहब की खिदमत में दुआ करता हूं और उनके भाई मौलाना साहब की खिदमत में दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे सलामत रखे। यूं ही आप मौला के मदहा में जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे और ये सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस इमाम ज़माना अलैह सलाम की खिदमत में फिर एक मरतबा इस जश्न की इन अयाम की मुबारकबाद पेश करते हुए इस शेर के साथ ये महफिल ऑनलाइन अगर हो सका तो इंशाल्लाह ऑफलाइन भी होंगे और ये महफिल जो ऑनलाइन हो रही है यहीं पर ख़त्म होती है। दो भीख हमको फातिमा जहरा के नाम की मौलाए कायनात तुम्हारा भला करे। सबको मुबारक हो ये जश्न ये तारीखें। खुदा हाफिज़ फ़ियामन।